अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खुश पाश होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आज फिर हाजिर खिदमत हैं एक नई रेसिपी के साथ। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए निहारी की रेसिपी। शेयर करते हैं आपसे निहारी। सिंपल और सिंपल इजी रेसिपी है, आपको यकीनन पसंद आएगी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए पहले हम गोश्त लेंगे। गोश्त को हम धो लेते हैं। इसके लिए आपको बॉम का गोश्त लेना होगा, वो जो शैन का गोश्त होता है, वो उसकी न्यारी बहुत अच्छी बनती है। लेकिन हम उसका गोश्त ले धो रहे हैं। जी व्यूअर्स, हम इसके लिए गोश्त धो लिया है। अब इसको कुकर में डालेंगे। जी व्यूअर्स, हमने गोश्त धो लिया है, अब हम इसको कुकर में डाल रहे हैं गलाने के लिए। पहले ऑयल डालेंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से ऑयल डालिएगा। अच्छा, इसका हम आपको एक टिप देते हैं निकालने के लिए कि आप पहले इसको सीटी लगाने से पहले आप पहले गोश्त को डालिए ऑयल में, उसके बाद शान का पैकेट का मसाला डालिए, उसका निहारी का मसाला, और फिर उसके बाद आप उसको सीटी मत लगाइए, बल्कि इसका जो जी व्यूअर्स देखिए, इस पे रोगन, ये भी रोगन आ रहा है। आपने अभी इस पर सीटी नहीं लगाई है, प्रेशर नहीं लगाया कुकर का, क्योंकि फिर रोगन ख़राब हो जाता है इसका। तो अभी हम इसका रोगन उतार लेंगे ऊपर से, और उसके बाद फिर हम इस पर प्रेशर लगा देंगे, सीटी लगा देंगे, ताकि गोश्त गल जाए। जब गोश्त गल जाएगा तो फिर उसके बाद हम फर्दर इसकी प्रोसीडिंग्स होंगी। उस पर आप आटा भून के वो डालेंगे, और उसके बाद इसमें हरी मिर्च काट के डाल देंगे, और बस ये तैयार हो जाएगी आपकी निहारी। चलिए अब हम इसको इसका रोगन उतारते हैं। जी व्यूअर्स, जैसा कि आपको बताया कि अभी हम इसका रोगन ऊपर से उतार रहे हैं, ताकि जब ये पक जाए, जब ये गोश्त गलेगा, सीटी लगेगी, तो इसका रोगन उतारते हैं। खराब जब हो जाएगा मतलब रोगन ऊपर नहीं आता इसका, इसलिए हम इसका ऊपर से रोगन उतार के एक प्याले में निकाल लेंगे। जब इसको सर्व करेंगे, डिश आउट करेंगे, तो ऊपर से रोगन डाल देंगे इसका। ये आपको टिप दे रहे हैं, जरूर ट्राई कीजिएगा। पूरा इसका रोगन ऊपर से निकाल लेंगे। ये इसका रोगन निकाल लिया हमने। अब इसमें हम पानी डाल के इसको हम गोश्त को गलने के लिए छोड़ देंगे। जब गोश्त गल जाएगा तब इसमें आटा भून के आटा डाल देंगे। पानी अपने हिसाब से जितना आपको रखना है, ताकि मसाला वगैरह सब बैलेंस रहे। ये हमने डाल दिया इसमें पानी। अब हम इस पर प्रेशर लगा देंगे गोश्त के गलने पर। ये जा रहा है इसमें प्रेशर। जी तो व्यूअर्स, अब देखते हैं, चेक करते हैं कि गोश्त गल गया है या नहीं। तकरीबन 20 मिनट का हमने प्रेशर लगाया था, अब इसे करेंगे। आई थिंक गोश्त गल गया होगा। जी जी व्यूअर्स, गोश्त अच्छी तरह गल चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें आटा भून के डालेंगे। इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं कुकर से पतीली में। फिर इसमें हम आटा भून के मिक्स करेंगे, पानी और डालेंगे इसमें। फिर इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि आटा जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसके अंदर। आप अपने हिसाब से नमक मिर्च टेस्ट कर लीजिएगा, हमारे हिसाब से बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। अब हम आटा निकाल के आटा भूनते हैं। इसकी फ्लेम हम ऑन कर देते हैं। व्यूअर्स, आटा इसमें इतना जाएगा कि ग्रेवी जो है वो गाढ़ी हो जाए। हमने आटा इसमें रख दिया है पहले टाइम में भूनने के लिए। इसको भून के इसमें आप पानी मिक्स कीजिए।
अपने हिसाब से जितना आपको गाड़ी रखनी है, हमें थोड़ा आटा ज्यादा लग रहा है। हमने इसमें 2 चमचे बड़े जो है डिश के चमचे जो है वो डाले हैं, तो हम थोड़ा ज्यादा लग रहा है, हमने आटा कम कर दिया है। इसमें फिर थोड़ा जल्दी भून जाएगा, ताकि इसको इसलिए भूनते हैं कि इसमें कच्चापन ना रहे। भून जाएगा तो इसमें पानी मिक्स करके तो इसको फिर इसमें गोश्त में मिक्स कर देंगे और इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। आपको जितनी गाढ़ी रखनी है ग्रेवी, उसके हिसाब से आप आटा मिक्स कीजिएगा और मिक्स करते हुए इसको आप चम्मच चलाते रहिएगा, वरना इसमें लम्स बन जाएंगे आटे के। तो आप इसमें मिक्स करेंगे इसको आटे को पानी मिला के जब मिक्स करेंगे तो इसमें चम्मच मिक्स करते रहिएगा, चम्मच चलाते रहिएगा, वरना ये उसमें लम्स बन जाएंगे आटे के। गोश्त बिल्कुल परफेक्ट गल चुका है हमारा। जैसे कि आपको पहले बताया कि निहारी के लिए गोश्त जो होता है श्रैंक का लेते हैं, वो जो बोन का गोश्त होता है वो लेते हैं, उससे निहारी बहुत अच्छी बनती है। कुछ लोग बोन को जो है वो उसमें पाए में। जी व्यूअर्स, देखिए ये आटा जो हमने भूना था उसको हमने बिल्कुल लिक्विड कर दिया है, इतना मिक्स कर दिया है इसको विस्क की मदद से। अब इसको हम डालेंगे इसके गोश्त के अंदर और साथ साथ इसका चम्मच भी चलाते रहेंगे ताकि इस पर लम्स ना बने। इसमें आप देखते रहिएगा, साथ रहिएगा। इसमें हम डाल रहे हैं। जी व्यूअर्स, निहारी हमारी रेडी है, आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। ये देखिए, ये इसका फाइनल लुक है। गोश्त बिल्कुल गल गया है सब। अब हम इसमें जब इसको डिश आउट करेंगे तो इसमें रोगन डाल देंगे। देखिए रोगन बिल्कुल गायब हो गया इसका, रोगन पता नहीं कहाँ चला जाता है, इसलिए हमने पहले से इसका रोगन निकाल के रखा हुआ है। अब हम हरी मिर्च काट रहे हैं गार्निशिंग के लिए। हरी मिर्च, पुदीना, जिंजर, इससे गार्निशिंग होती है, और लेमन से, लेमू भी जाता है। तो हम बारीक बारीक हरी मिर्च काट के गार्निशिंग के लिए रखेंगे, और जब इसको डिश में निकालेंगे सर्व करने के लिए तो इसमें ऊपर से रोगन डाल देंगे। फिर आपको उसकी फाइनल हम लोग दिखाएंगे रोगन डाल के। मसाला बिल्कुल परफेक्ट है, हर चीज़ नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। हम लोग क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, हमारा थोड़ा स्पाइसी है, आप अपने हिसाब से बैलेंस कर दीजिएगा। रोटियाँ अभी आने वाली हैं, बस ये हम लोग खाना खाएंगे। इसके साथ तंदूर की रोटियाँ ही अच्छी लगती हैं, घर की रोटी इसके साथ वो मज़ा नहीं देती जो तंदूर की रोटी से मज़ा आता है। बैल बजी है, रोटियाँ हमारी आ गई हैं, अब हम इसको डिश ऑफ करते हैं। देखिए व्यूअर्स, अभी इसकी रोगन के बगैर इसकी शक्ल देखिए कैसी है। अब हम इसमें रोगन डालेंगे तो उसके बाद इसकी शक्ल देखिएगा, माशाल्लाह कैसा टेस्ट और शक्ल सामने आएगी। अब इसमें हम रोगन डाल रहे हैं, बड़े स्पून से डाल देते हैं। देखिए सब रोगन जा रहा है इसके अंदर, और ये इसकी फाइनल लुक। हरी मिर्चें और लीमू हम साथ रखेंगे। ये देखें कितनी अच्छी शक्ल आ गई है सामने इसकी। ये हमारी निहारी तैयार है, आप भी खाइए, घर वालों को भी खिलाइए, और घर वालों से तार वसूल कीजिए। ये देखिए, ये इसकी फाइनल शक्ल। जी व्यूअर्स, निहारी आपने देख ली, रेडी है हमारी सर्व के लिए, सर्व करने के लिए। माशाल्लाह बहुत अच्छी शक्ल है, बहुत अच्छा टेस्ट है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन आपको रेसिपी पसंद आई होगी, और आप ट्राई कीजिएगा ज़रूर, बनाइएगा ज़रूर, खुद भी खाइए, घर वालों को भी खिलाइए, और घर वालों से दाद वसूल कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स भी दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।